एथर 450X जनरेशन 3 को कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। हालांकि इस जनरेशन इलेक्ट्रिक स्कूटर को कंपनी ने ज्यादा कुछ अपडेट के साथ लॉन्च नहीं किया है, लेकिन जितने भी अपडेट कंपनी ने किए हैं उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें अपडेट की गई है, इसमें बैटरी पैक थोड़ी सी बड़ी दी गई है। 3.7 किलोवाट आवर की बैटरी पैक लगी हुई है, जिसका सर्टिफाइड रेंज 146 किलोमीटर पर चार्ज की है, लेकिन जो ट्रू रेंज आपको मिलेगी 105 किलोमीटर पर चार्ज की मिलेगी। तो ट्रू रेंज थोड़ा सा कम है, ज़्यादा कुछ यहाँ पे आपको रेंज देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि इसके पहले 85 किलोमीटर पर चार्ज की रेंज मिलती थी, अब आपको 105 किलोमीटर पर चार्ज की रेंज मिल रही है। तो लगभग आपको 20 किलोमीटर ज़्यादा रेंज थर्ड जनरेशन मॉडल एथर 450X में आपको मिलेगा। इसके अलावा राइड मोड में जाते हैं तो 85 किलोमीटर पर चार्ज की रेंज मिलेगी, स्पोर्ट मोड में 75 और रैप मोड में 65 किलोमीटर पर चार्ज की रेंज मिलेगी। तो इसके अगले अपडेट की बात करें तो इसमें नया टायर्स लगा हुआ है, जिससे कि पहले से ज़्यादा 22% ज़्यादा आपको बेटर ग्रिप देखने को मिलेगा, ब्रेकिंग थोड़ी सी अच्छी इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसके अगले अपडेट की बात करें तो इसमें कंपनी ने टायर प्रेशर मॉनिटर भी दिया है, जहाँ से अपना टायर प्रेशर आप अपने डैशबोर्ड में और ऐप के जरिए आप देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको नया रियर व्यू मिरर्स भी आपको देखने को मिल जाता है, जो कि इसकी अगली अपडेट ही है। तो इसके अलावा इसमें आपको साइड स्टेप फुटरेस्ट भी मिल जाता है, यानी कि लेडी फुटरेस्ट इसमें अपडेट दिया गया है, तो आप देख सकते हैं ये अपडेट किया गया है। इसके अलावा इसमें डैशबोर्ड भी आपको थोड़ा सा अपडेट मिल जाता है, इसमें स्टोरेज पहले से थोड़ी सी ज़्यादा दी गई है, तो ये आपको छोटे छोटे 5 से 6 अपडेट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो अगर इसके प्राइसिंग की बात करें तो इसकी प्राइस ज़्यादा नहीं बढ़ाई गई है, लगभग 1000 रुपये तक ज़्यादा आपको महंगी देखने को मिलेगी। तो 450X लेते हैं थर्ड जनरेशन मॉडल, तो उसका एक्स रूम दिल्ली प्राइस 1,39,007 तक है, और वहीं अगर आप 450 प्लस लेते हैं तो उसका जो एक्स रूम प्राइस है दिल्ली में 1,17,496 तक है। तो यहाँ पे प्राइस लिस्ट आप देख सकते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्राइस है, फेम टू सब्सिडी के बाद किसकी प्राइस है, तो यहाँ पे प्राइसिंग आप देख सकते हैं। इसके अलावा कंपनी आपको डैशबोर्ड में कुछ और भी अपडेट देगी, जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा, जैसे कि ऑफलाइन मैप देखने को मिलेगा, वॉइस कमेंट मिल जाएगा, डीपर डायग्नोसिस आपको देखने को मिल जाएगा, मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट भी आपको मिलेगा। तो कई सारे आपको और भी इसमें आपको फीचर्स जो कि आपको आगे देखने को मिलेगा। तो कंपनी ने बस यही कुछ अपडेट्स किए हैं, रेंज आपको पहले से 20 किलोमीटर ज़्यादा देखने को मिलेगी, रियर व्यू मिरर्स मिल जाएगा, लेडी फुटरेस्ट मिल जाएगा, टायर प्रेशर मॉनिटर मिल जाएगा, और पहले से प्राइस 1000 रुपये तक ज़्यादा महंगी हो गई है। तो बस आपको एथर 450X के जनरेशन 3 मॉडल में यही कुछ अपडेट देखने को मिलता है। इनमें से कौन सा अपडेट आपको पसंद है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और भी क्या आप अपडेट देखना चाहती थी ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर भी बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।